नमस्कार भाई, सभी साथियान साथियों, आप सभी भी परेशान होंगे लेकिन त्यौहार था, स्वतंत्रता दिवस का पर्व था अपना और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। साथियों, आप सभी भी इसी चीज पर है, एक्ट का के होगा, 14 तारीख ने एक्ट की खुशी मिली थी और सारे बहुत खुश, क्योंकि एक्ट भी इसका, जिनका कोई भी नहीं था, जिन कर्मचारियों का, और जो सोच भी निष्का थे कि हमें एक स्टेप ऊपर भी जावा, क्योंकि हमने प्रतिदिन चुनौती मिली थी साथियों। लेकिन 15 अगस्त के बाद 16 प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, आचार संहिता भी लगी, लेकिन साथ ही सारे परेशान है, भाई इब के होगा, इब कौन सुनेगा, रुक गया सारा मामला, ग्रुपां भी बिल्कुल बसड़ मचा रखी, जमा संगठन पर जानू तसली नहीं, साथी दो समझावे हैं, चार फिर शुरू हो जी हैं। कम से कम अपने साथियों ने तो सोचना चाहिए, अखबर के है कौन लेके आनी है, यो आपका संगठन, आपकी ताकत, आपकी लड़ाई, और उन्हें के लेके आऊंगे। बाकी मैं ज्यादा उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सीधा सीधा स्पष्ट मेरे साथियों ने कहूँ कि भाई चुनौतियां स्वीकार करो, एक्ट किसका है, अपना है, रोकनिया कौन है, देनिया कौन है, ये तो देखो पिछली सरकारा ने कह दिया था, ई वाली ने कह दिया है और कद मिलया है। साथियों, प्रत्येक चिंतन करोगे नहीं, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक मिलन वाली चीज पर, एक्ट एक्ट इस तो पहला क्या हमने कि मैं मिलया है को नहीं। साथियों, अनुबंधित का जन्म होया दर्द में होया था, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ला ले, अनुबंधित पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ ला ले, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, PWD यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं साथी, इरीगेशन में लग रहे हैं, यानी किस डिपार्टमेंट में कौन अनुबंधित है, पहले उनकी तो कौन सारे ठेका प्रथा पर थे, लेकिन लड़िया कौन है, कितने कर्मचारी लड़े हैं, 1,20,000 मत है, 1.5 लाख, 2 लाख मत बताऊं तो, क्योंकि कुछ इसे भी जो विभाग रोल पे हैं अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट में है, लेकिन लड़े सारे टुकड़िया में लड़े हैं, लेकिन आज सारे एक स्टेप पर पहुंच गए। साथियों, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, पहली बार, क्योंकि चौथा इलेक्शन साथियों, यो 5-5 साल में चौथा इलेक्शन देखने में मिला है, प्रतिदिन अखबार की सुर्खियां पर कच्चा कर्मचारी है, प्रतिदिन अखबार कच्चा 1,20,000 का के होगा, यूट्यूबर लिखते हैं यो नहीं होगा, यो टक्के खड़े हो गया, फलान हो गया, लेकिन साथियों आप नू तो देखो आज सुर्खियां में कौन है, आज सुर्खियां में आप लोग हो, आपका भविष्य है। पहले के था जिस टाइम पर ठेकेदारी प्रथा बंद कराने खातर यह टीम चली थी, अनुबंधित संगठन चलिया था, उस टाइम भी ये साथी इनमें कहा करते कुछ को नहीं हो, ठेका प्रथा बंद नहीं हो सकती, कौशल बन गया, कौशल ने भी दूसरे संगठन में आकर दे यो बड़ा ठेकेदार है, वो आज बड़ा ठेकेदार दिखने लग गया था इनने, आज वो बड़ा ठेकेदार ने भंग कराने खातर भी इकट्ठे हुए हैं, कराए देंगे हुए, उनमें ज्यादा ताकत होगी तो, लेकिन आप लोगों में की ताकत को नहीं गए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, इससे पहला और भी तो थे, उनने कौन करी, जो कांग्रेस की सरकार थी उसका जो मैंने रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी वो आज भी कोर्ट में पड़ी है, उसने तो 10 साल हो गए, और जानदी करदी ने बनाई थी, और कितने साथियों लाभ मिला था उसका, 4-5 हज़ार लोगों के, मेरे शहर में खासकर हमारे बिजली बोर्ड में बागरोल के साथी मुए भी रह गए थे, किसने आज लाभ मिलेगा नहीं, अगर यू एक्ट बनया तो 1,20,000 तो ये है, और बाकी की परमिशन भी भेज रखी है, मैं पैरवी नहीं करा किसी की भी, ना मैं कांग्रेस की ना भाजपा की, मैं मेरे कर्मचारियों का दर्द बताने लग रहा हूँ साथियों, कच्चे कर्मचारी जिन्हें चाहिए भविष्य, जो 15-15, 20-20 साल, और चाहे जिसने 2 साल हुए वो साथी भी व्हाट्सएप पर करता मारा के रहेगा। साथियों, आपने तो खुश होनी चाहिए, सारे एक स्टैंड पर आ गए, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और आप लड़न खातर तैयार हो गए, लड़े हाँ, अरे एक्ट मिल गया बन 58 साल का, सारी चीज है, ये लड़ना किस खातर हमने, इस सरकार का भी बेरा पट जाएगा, अकदों सके है, लेकिन इतनी जरूर है इनने एक पहल तो करी है, एक्ट पास भी करा लिया हो, अगला अब विधानसभा में, ठीक है टाइम बताओगे किसकी विधानसभा, उनकी होगी तो उनने भी देख लियो, जो आज कहे नहीं वो के करेंगे, कोई दुश्मन को नहीं हुआ अपने, और कर्मचारी की सारी सरकार हूँ भाई, अपन तो सरकार का, हरियाणा का जो पैसा मिले है, पब्लिक का, पब्लिक सेवा देने का पैसा मिले भाई, हम किसी की रखेल नहीं, हाँ जो अच्छा करेगा नहीं उसका हम धन्यवाद भी करेंगे। थर्मल के साथी भी कम एक बार नू हो गया, थर्मल के साथियों मैं पूछना चाहूँ, जो थर्मल का चल हुआ था और किसकी सरकार थी उस टाइम पर, राजीव गांधी, थर्मल पावर प्लांट, और ठेकेदार आज भी हैं,
लेकिन अगर ठेकेदार बंद करया तो किसने करया? इसे सरकार ने करया। इस सरकार में भी कुछ अच्छे लोग थे, इतने ठेकेदार ना तो टक्कर लेना कुआंसी खेल बात नहीं है। तो साथी यह चीज तो सोचनी पड़ेगी, आप लोग ना भी सोचनी पड़ेगी, और चुनौती तो साथियों स्वीकार करनी पड़ेगी। चुनौती स्वीकार करो, और गर रहा था कोई यार एक्ट तो पहला भी तो बहुत सी चीज था मिले रहे हो, मैं बताने लग रहा था हम के कौन लेके आए और वे के लेके आए हैं जो था हम तर्क रूप में एक छोटी फंटर छोड़ेंगे और कच्चे कर्मचारियों साथ खिलवाड़। अरे खिलवाड़ तो सब तक गणा था हमने कर रखे हमारा गला, अब हमने एक्ट पास करावा थे जब तो था मैनू बोले अकबर इस तो एक लाख नौकरी जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो बड़का के बनेगा स्वीकृत पद भर दी कच्चे क्या गल है, कमाल करो यार, हमें अपनी पूरी जवानी दे दी इस कच्चे कर्मचारी 1.5 लाख ने 2 लाख ने, आज तो हम उसके खिलाफ हो गए। तो हमने कोई अच्छी चीज बना उसका स्वागत करना चाहिए, तो हमनू कहना चाहिए बढ़िया चीज बनेगी और इसमें संशोधन हमें करवावांगे, लेकिन तमें गल पढ़ रहे हो खाम खाई के यार, तमें संगठन चला रहे हो कच्चे कर्मचारियों के ठेकेदार बन रहे हो, भाई थोड़ी अच्छी चीज कहानी सीखो, चाहे कोई भी किसी भी संगठन में हो लेकिन कच्चे कर्मचारियों की पैरवी करो तो बढ़िया तरीके से करो, लेकिन ये चीज नहीं अकबर ये चीज होगी तो नू हो जाएगा ना सोगा कोसला है उसने भी तमने कहा बड़ा ठेकेदार है, आज एक्ट बना तम उसने भी सीधा पक्का ईसा इसी मशीन के ले रहे हो, अकुरान तक कच्चे बढ़ जाएंगे नून तक पक्के लकड़ जाएंगे, आज लगता हमने वह मशीन देखी कौन भाई। अरे मेरे जितने साथी मार संगठन तो जुड़ रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ तो जुड़ रहे हैं, अनुबंधित तो जुड़ रहे हैं, साथियों बिल्कुल किसी तक घबराने की जरूरत नहीं है, आपका संगठन सब तो तकड़ा है, लेकिन तकड़ा जद है जद आपका विश्वास रहेगा आपकी ताकत रहेगी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन बंधन एक साथ